अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज के प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन में हम आपको सिखाएंगे पेट्री प्लेट्स को रैप करने का सही तरीका, और ये भी बताएंगे कि इसको रैप करने का गलत तरीका जो अमूमी तौर पर लोगों में पाया जाता है, और उससे जो है एक्सपेरिमेंट्स गलत हो जाते हैं और स्टरलाइजेशन नहीं होती। तो इसलिए आज हम आपको सिखाएंगे पेट्री प्लेट्स को रैप करने के सही तरीका और एक से ज़ायद मुख्तलिफ तरीके जिससे आप पेट्री प्लेट्स को रैप कर सकते हैं और स्टरलाइज कंडीशन में माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि पेट्री प्लेट्स को किस तरह से रैप किया जा सकता है। हमारे पास जो इस वक्त पेट्री प्लेट्स हैं वो छोटे साइज़ की हैं, इससे भी छोटे साइज़ की और मुख्तलिफ साइज़ की पेट्री प्लेट्स आती हैं, मगर ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में ये वाली पेट्री प्लेट्स यूज़ की जाती हैं जिनका साइज़ तकरीबन 25 मिलीमीटर है। उसके अलावा कुछ बड़े साइज़ में आती भी हैं, जैसे कि जिनको हम 50 मिलीमीटर का साइज़ कहा जाता है, जैसे कि ये वाले बड़े साइज़ की पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट्स हमारे पास जब हम परचेज़ करते हैं तो अक्सर बॉक्स की फॉर्म में आती हैं और इस तरह से पैक होकर आती हैं, और हमें डिफरेंट ग्लास की पेट्री प्लेट्स हैं। उसके अलावा पेट्री प्लेट्स डिस्पोजेबल भी होती हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको सिखाएंगे ग्लास की पेट्री प्लेट्स को पैक करने का तरीका। जब आपके पास पैकिंग में मिलेंगी तो आपको कुछ इस तरह से इनकी पैकिंग मिलेगी, और इसको आपको पहले खोलना होगा और इसको पेपर को साफ़ करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा कूड़ा करकट है, इसको आप सिंपल वॉश कर सकते हैं और उसके बाद इसको ड्राई कर देंगे। और ड्राई करने के बाद हम इस तरह सारी प्लेट्स खोलते जाएंगे, इसको पहले निकालते जाएंगे और इनको वॉश करेंगे और इनको साफ़ करके रखते जाएंगे। अभी हमारे पास पेट्री प्लेट्स जो है वो हमने बॉक्स से निकाल दी हैं और इनको हमने साफ़ करके रख दिया है, लेकिन ये साफ़ करने से स्टरलाइज नहीं होती, इसलिए हमें इन्हें ऑटोक्लेव करना होता है। मगर ऑटोक्लेव में हम इनको ना तो ऐसे ही रख सकते हैं अलग-अलग करके, क्योंकि जैसे ही ऑटोक्लेव से निकालेंगे तो इसकी स्टरलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, और ना ही जो इसका आम तरीका जो हर जगह अपनाया जाता है, जैसे कुछ लोग इसको शॉपर में डाल के गिरा लगा देते हैं और इसको ऑटोक्लेव में ऑटोक्लेव होने के लिए रख देते हैं, ये एक इंतहाई गलत तरीका है। इससे कभी भी प्लेट्स ऑटोक्लेव नहीं होती और इससे कभी भी स्टरलाइजेशन नहीं होगी। प्लेट्स को ऑटोक्लेव करने के एक से ज़ायद तरीके हैं, मगर ये एक गलत तरीका है, और ना ही आप प्लेट्स को ऐसे रख सकते हैं। ये लगवाते हैं आप प्लेट्स का स्टैक बना सकते हैं, या 5 का स्टैक बना सकते हैं, या 10 का स्टैक भी बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये कि प्लेट्स एक ही साइज़ की हों, और चाहें तो एक एक प्लेट करके उनको पैक अलग से भी किया जा सकता है और उनको ऑटोक्लेव किया जा सकता है स्टरलाइजेशन के लिए। आपको जो मैं आसान तरीका बताऊंगी उसमें हम सबसे पहले 5-5 प्लेट का स्टैक बनाएंगे। जो सबसे आसान तरीका है उसमें ये है कि हम 5 प्लेट का स्टैक लेंगे और एक हम एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, और इसमें इस तरह से हम इसकी रैपिंग करेंगे कि आपको इसको इसकी स्टरलाइजेशन ख़राब ना हो। अब हमने ये चीज़ ख़ास तौर पे देखनी है कि जब हम प्लेट्स को रैप करें तो इसको पकड़ के रखें और इसको इतना टाइट करें कि इसमें एयर ना जा सके और ये एक ही तरह सीधी रहे। अब इसको हम इस तरह से रैप करेंगे और बिल्कुल टाइट करते हुए जाएंगे। इसकी दो ये इस बात का ध्यान रखें कि एल्युमिनियम फॉइल जो है वो कहीं से टूटे ना। अब चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल को सीजर से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से हाथ से भी कट हो जाती है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे और इसको अच्छी तरह से रैप कर देंगे, और इस चीज़ की को हम मेक श्योर करेंगे इसमें कहीं ओपन स्पेस ना हो, और इस तरह हमारी ये प्लेट्स जो है वो ऑटो प्लेट के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि ये खुले ना, और दूसरी चीज़ ये कि ये चीज़ आप उन सब देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है ऑटोक्लेव टेप। ऑटोक्लेव टेप में अभी आप देख सकते हैं कि इसमें इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिप्स बनी हुई हैं जिसका रंग अभी वाइट है। जैसे ही ये ऑटोक्लेव हो जाएंगी तो इनका स्ट्रिप का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपको दिखा सकती हूँ ये इस तरह से,
ये इसका स्ट्रिप का कलर इस तरह से ब्लैक हो जाता है जब चीज़ें ऑटोक्लेव हो जाती हैं, लेकिन ये भी वाइट है तो आपको वाइट नज़र आएंगी। और ये हाथ से भी टूट सकती है और आप इसको कैंची से भी काट सकते हैं। इसके लिए आप इसको पैक कर देंगे और ऑटोक्लेव टेप जगह जगह यहाँ से इसको मेक श्योर इसको सील कर दें कि ये कहीं से ना खुले। और इस पर हम आखिर में मार्कर से इसका नाम लेबल कर देंगे। इसमें आप अपने कोई भी नाम का अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं या कोई भी अपने उसका कोड लिख सकते हैं और इसमें आप अपना नाम इंडिकेट कर दें, तो क्योंकि ऑटोक्लेव में आपके सामान के अलावा किसी और का सामान भी मौजूद हो सकता है, इसलिए आप इस पर नाम लिखते हैं ताकि आपकी प्लेट्स की अपनी निशानदेही रह सके। इसके अलावा प्लेट्स को रैप करने का एक से ज़्यादा मैंने आपको कहा था डिफरेंट तरीका बताया जाएगा, तो अगेन ही हमारे पास 5 प्लेट्स हैं और उसके लिए हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, कोई भी आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं और कोशिश करें ये डबल कोटिंग में हो और लंबा हो। 5 प्लेट्स हम लेंगे और इसी तरह हम इसको किसी न्यूज़पेपर में रैप करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़पेपर को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है या आपके पास कोई और रिसोर्स नहीं है, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हैं। मगर इसको भी रैप करने का तरीका है, इसको आप ऐसे ही कागज़ में उठा के यूं और ऐसे करके लपेट कर कुछ लोग इसको इस तरह से रख देते हैं और समझते हैं कि ये स्टरलाइज हो जाएगा और इसको ऑटोक्लेव में रख देते हैं। हालांकि ये एक गलत तरीका है। न्यूज़पेपर में जब भी आप रैप करेंगे तो उसका एक ख़ास तरीका है कि उसमें कोई भी स्पेस ना हो और प्लेट्स सारी इंटैक्ट और क्लोजली और टाइटली पैक्ड हों, ताकि उसमें स्टरलाइजेशन जो है हम उसको इंश्योर कर सकें और हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हों। तो उसके लिए मैं आपको सही तरीका ये बताऊंगी कि उसमें जब हम प्लेट्स को लेते हैं और इस तरह से हम इसको करते हैं कि पहले इसकी फोल्डिंग इस तरह से करते हैं और उसके बाद इसके यहाँ से फोल्ड यहाँ से मोड़ेंगे और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे लेते जाएंगे और ऐसे ऐसे करके इसके किनारों को चारों तरफ से मोड़ते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी इसको मोड़ते जाएंगे, जैसे इस तरफ से वैसे ही दूसरी तरफ से हम इसको सख्ती से मोड़ते जाएंगे। अब न्यूज़पेपर जो है इसको हमें क्लोज करने के लिए एक टेप की ज़रूरत होगी, उसमें हम चाहें तो हमें ऑटोक्लेव भी टेप भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे टाइट पैकिंग के लिए। और उसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आपके पास ऑटोक्लेव टेप नहीं है उस वक्त के लिए इतनी ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए स्कॉच टेप भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ये बात ध्यान में रहे कि स्कॉच टेप को कभी भी आपने मुंह से नहीं तोड़ना, उसको हमेशा सीज़र से कट करना है और उसके डिफरेंट पीसेस जो है वो हम सीज़र से कट करेंगे और हम इसी तरह न्यूज़पेपर पे हम जो है स्कॉच टेप लगा देंगे। आप चाहें तो स्कॉच टेप के पहले से बहुत सारे पीसेस भी कर सकते हैं और उसको बाद में पीसेस करके रख दें और इनको जोड़ते जाएं। अब इसको हम इस तरह से रैप भी कर सकते हैं स्कॉच टेप से और पीसेस भी कर सकते हैं और फुल स्कॉच टेप से आसानी से रैप भी कर सकते हैं इस तरह से, ताकि अखबार भी क्लोज हो जाए और ये भी ना फटे। इसको हम इसको कोशिश करेंगे इसको चारों तरफ से टाइटली पैक कर दें। लेकिन ये जानने के लिए कि आया हमारी प्लेट्स ये ऑटोक्लेव्ड हैं या नहीं हैं, इसके लिए हम ऑटोक्लेव टेप का एक छोटा सा टुकड़ा भी लगा सकते हैं ताकि हम इस पर अपना लेबल भी लिख सकें। और अभी हमें पता है कि ऑटोक्लेव नहीं है, इस पर हमने ऑटोक्लेव टेप लगाई और इस पर हम अपना कोड दे देते हैं। जब ये ऑटोक्लेव हो जाएंगी तो इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो ब्लैक हो जाएंगी। तो ये अखबार से रैप करने का तरीका है। इसमें अगर आपका अखबार कहीं से फट जाता है, जस्ट मेक श्योर
तो आपने इसको फिर दोबारा अखबार से लपेटना है, क्योंकि अगर इसमें एक भी सुराख हो जाता है तो आपकी प्लेट्स का पूरा सेट जो है वो ऑटोक्लेव नहीं होगा। तो इसलिए काइंडली मेक श्योर कि इसमें कोई स्पेस ना हो और ये टाइटली पैक्ड हो। इसको आप हाथ से भी दबा के चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आपका एल्यूमिनियम फॉइल से पैक करने का तरीका है। एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि स्टैक ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बनाएं, उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक एक प्लेट को इंडिविजुअली रैप भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको किसी एक प्लेट से सिखा सकती हूँ। ये हमारी एक प्लेट है जो कि 50 mm की है, जिसका मैंने जिक्र किया था। ये नई प्लेट है, ये जब पैकिंग में आती है इसको साफ़ करके हमने अखबार में रख दिया था। इस पेपर में हमने इसलिए पैक नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता और इसके फटने का खतरा होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अखबार यूज़ किया जाए, क्योंकि ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और ये मोटा होता है। इसको पैक करने का तरीका ये है कि आप चाहें तो पहली कोशिश यही होगी हमारी कि हम इसको एल्युमिनियम फॉइल में पैक कर दें। इसको आप कैंची से भी कट कर सकते हैं और हाथ से भी अलहदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोशिश करें कि इसके कोई किनारा खुला ना रहे, इसके किनारे चारों तरफ से सील हो जाएं, इसको इंटैक्ट रखें। और इसमें हम अपना लेबल लिख देंगे ऐसे, और इसको हम ऑटोक्लेव के लिए रख देंगे। हम चाहें तो इसको इसी तरह अखबार से भी लपेट सकते हैं, लेकिन अखबार में काइंडली मेक श्योर कि अखबार से अगर हम लपेटें तो उसमें भी कोई एयर स्पेसेस ना हो। और ये भी बात ध्यान में रहे कि इनको लिफाफों और थैलियों में डाल के ऑटोक्लेविंग के लिए मत रखा जाए, क्योंकि इससे हमारा स्टरलाइजेशन अचीव नहीं होती और उससे हमारे सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। ये हमारी प्लेट्स रैप हो चुकी हैं। अब हम इसको ऑटोक्लेव के लिए ऑटोक्लेव रूम में लेके जाएंगे। उसके लिए हमें एक बास्केट की ज़रूरत होगी और उसमें हम जो है अपनी डिफरेंट प्लेट्स के जो स्टैक्स और सेट्स हमने बनाए हैं उनको सीधा सीधा अलाइन करके रखते जाएंगे और हम उसको ऑटोक्लेव रूम में लेके जाएंगे और उसको हम ऑटोक्लेव के जाके करेंगे स्टरलाइजेशन, इससे पहले कि हम मीडिया बनाएं। आज की वीडियो में हमने आपको बताया है बैटरी प्लेट्स को रैप करने के मुख्तलिफ तरीका, सही तरीका और गलत तरीका। सो अगर आप चाहते हैं कि बैटरी आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो तो प्लेट्स की स्टरलाइजेशन बहुत अहम है और इसको जो है सही तरीके से करना ज़रूरी है। इफ़ यू डू लाइक आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम टिप बॉक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ टिप्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।